अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी यहाँ पर खैरियत से हैं। फिर मैं आपके सामने खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मेरी वीडियो का उनवान है इंसानियत। आइएगा, आपको लेकर चलते हैं इस खूबसूरत वीडियो की जानिब। इंसानों की बेगर्ज खिदमत करना, यही इंसानियत की मेराज है। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई, मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह कराता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, कुदरत की अता है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना हमारा इंतखाब है। इंसानियत एक बहुत बड़ा ख़जाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। अगर तुम अजमत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफ़रत के बजाय मोहब्बत पैदा करो। ख़त जो मैंने लिखा इंसानियत के नाम पर, डाकिया ही मर गया पता पूछते पूछते। इस्लाम ने खिदमत इंसानियत को बेहतरीन अखलाक और अजीम इबादत करार दिया है। जानते हैं इंसान किसे कहते हैं? जिसकी आँख में एहतराम हो, अल्फाज में नरमी, जिसके अखलाक में रहम वली और मकासिद में आला ज़र्फ़ी। नेकी वो शबनम है जिसके कतरे मोती बनकर इंसानियत पर छलकते हैं। इंसान तो हर घर में ही पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। वो बुलंदियां भी किस काम की जनाब, कि इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। इंसान की इंसानियत तब ख़त्म होती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। ऐ बादल इतना बरस के नफ़रत ढल जाए, इंसानियत तरस गई है मोहब्बत के सैलाब को। इंसान बढ़ते जा रहे हैं और इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। उम्मीद करती हूँ गाइज़, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।